बिहार के भाग में तो नेता लोग ने लिख दिया है, सिर्फ खाली पार्टी पॉलिटिक्स में बिहार के लोग नेता बैठते हैं और यहाँ का तो भला देखते नहीं है। अब दिल्ली वाले सरकार को छोड़ रखे हैं चरने के लिए, भाई मेरे पर खाली आवाज़ उठाओ विपक्ष पे, विपक्ष भी क्या करेगा, यही हाल है, हम लोग मर रहे हैं, आम जनता गड्ढे में गिर गिर के मरेगा। अभी रात होगा तो क्या हाल होगा वो देखने को आप आएंगे तो देख लीजिएगा, एक न एक तो अंदर में नजर आएगा आपको। सर चालू रोड है, रेलवे स्टेशन बगल में है, जनता पूरी यहीं से जाती है, तब इसका ये हाल है तो आगे तो भगवान मालिक है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम जीपीओ से लेके स्टेशन वाले रास्ते पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं वन विभाग के तरफ से जो पुल के नीचे की जगह थी वो पूरा उसमें पार्क लगाया जा रहा है, हरा भरा उसे किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई हम ये भी आपको दिखाते हैं, ये है इस रोड की सच्चाई। और ये पूरा चैम्बर जो है देखिए खुला हुआ है, यदि इसमें कोई गिरता है तो जान जाने की भी नौबत है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये पूरा चैम्बर यहाँ खुला हुआ है, और यही नहीं तमाम चैम्बर, ये देखिए यहाँ भी चैम्बर टूटा हुआ है, यहाँ भी चैम्बर टूटा है, तमाम चैम्बरों को हम दिखाएंगे इस रास्ते में कहाँ कहाँ चैम्बर खुले हैं और कहाँ कहाँ चैम्बर टूटे हुए हैं। सड़कों पर पानी इस तरीके से गिरता है, ये देखिए इस तरीके से पानी सड़कों पर, और ये भीतर से पानी देखिए गिराया जाता है सड़कों पर कैसे, और सड़कें कैसे खराब होती हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक नज़ारा और दिखा दे, यहाँ भी देखिए आखिर ये नल लगाए किसने हैं, क्योंकि यहाँ नल की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नल लगाए किसने हैं, ये देखिए। तमाम ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, हम जरा लोगों से बात कर लें क्या कहते हैं लोग, ये चैम्बर ऐसे खुला है खतरा है ना? बहुत खतरा है, आदमी गिर सकता है, उसका जान जा सकता है, जोखिम वाला है, ये है खोल खाल के छोड़ दिया है सरकार, खुला हुआ छोड़ा है, उस पर खतरा है, ये है वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, इससे बहुत बड़ा खतरा है, जान जा सकती है गिरने पर, गाड़ी घोड़ा का भी डर गिरने का है। कितना खतरा है इस चैम्बर से? खतरा तो पूरा खतरा है चैम्बर से, बारिश होने के बाद पैर उर चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दुकान के बारे में पूछना होगा सर, हम लोग का दुकान नहीं लगा, इसका बारे में तो चैम्बर खुला हुआ है। अच्छा ये चैम्बर खुला हुआ है, कितना खतरा है यदि बरसात होगा तो? बच्चा लोग तो इसमें डूब के मर जाएगा। देखिए कितना खुला है, देखिए यदि पानी इसमें भरेगा तो क्या होगा, छोटे बच्चे बच्चे के लिए तो बहुत खतरनाक है, खतरनाक है बच्चे के लिए। चैम्बर खुला है सर, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, आम जनता तो चला ही जाएगा अंधेरा में, ना यहाँ पे लाइट का व्यवस्था है कि चलो दिखाई देगा, ना किसी ने कुछ उसमें डाल रखा है। अच्छा देखिए इतना बड़ा चैम्बर खुला है, गिर जाएंगी तो क्या होगा? ये तो पब्लिक की गलती है, सरकार को बोलिए। सरकार नहीं, आप ही से पूछ रहे हैं, खतरा है कि नहीं है? बहुत बहुत खतरा है, साफ खोल के चैम्बर रखो तो हो तो आप बताइए कितना खतरा है। मान लीजिए सब लोग सामने जाते हैं, मोबाइल देखते देखते जाते हैं, आप भी जाती होंगी यदि सामने गिर गई तो? हाँ बात तो सही है, अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार को बोलिए, पब्लिक को, सरकार को बोला जाए, जनता कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार को बोला जाए। लेकिन जब इस चैम्बर को खोला जा रहा था उस समय यहाँ की पब्लिक ने कुछ भी नहीं कहा कि नहीं चैम्बर आप खोल रहे हैं फिर इसे उसी तरीके से ढकिएगा तभी यहाँ काम करने देंगे, जनता जो है आवाज़ उठाती नहीं है। वो भी सर चालू रोड है, रेलवे स्टेशन बगल में है, जनता पूरी यहीं से जाती है, तब इसका ये हाल है तो आगे तो भगवान मालिक है, आगे भगवान मालिक, हाँ और क्या कहेंगे, यहाँ का भगवान मालिक है ना, पूरे बिहार का भगवान मालिक, पूरे देश का भगवान मालिक है, पूरे देश का, पूरे देश का, पूरा देश चौपट हो गया है, चौपट हो गया, चौपट हो गया है, बस खाली यही है, बस गड्ढा में गिरिए और मर जाइए, गड्ढा में गिरिए और मर जाइए, यही कहानी चल रहा है। बिहार के भाग्य में यही लिखा हुआ है, बिहार के भाग में तो नेता लोग ने लिख दिया है, सिर्फ खाली पार्टी पॉलिटिक्स में बिहार के लोग नेता बैठते हैं और यहाँ का तो भला देखते नहीं है। अब दिल्ली वाले सरकार को छोड़ रखे हैं चरने के लिए, भाई मेरे पर खाली आवाज़ उठाओ विपक्ष पे, विपक्ष भी क्या करेगा, यही हाल है, हम लोग मर रहे हैं, आम जनता गड्ढे में गिर गिर के मरेगा। अभी रात होगा तो क्या हाल होगा वो देखने को आप आएंगे तो देख लीजिएगा,
एक न एक तो अंदर में नजर आएगा आपको। वास्तव में दिन में तो ये दिखाई भी दे रहा है, कहीं देखिए पोस्ट नहीं लगा हुआ है, और रात में यदि बारिश हो रही हो और कोई इस रास्ते से गुजर जाए, चाहे वो गाड़ी वाला हो या पैदल यात्री हो, तो सोचिए क्या हाल होगी उसकी। और इस रोड में जीपीओ से लेकर स्टेशन तक करीब 6 गड्ढे तो हम आपको दिखाएंगे, 2 तो हमने दिखा दिया, आप फिर से दिखा दें इस गड्ढे को। ये है बिहार सरकार, और बिहार सरकार में पटना नगर निगम की ये हालत है। और कहाँ गड्ढे खुले हैं ये भी हम अपनी अगली खबर में दिखाएंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।